बिहार के लाल ने किया ऐसा कमाल कि लोग हैरान रह गए। इस 16 साल के बच्चे की आप तारीफ करते नहीं थकेंगे। शुरुआती दिनों में तो लोगों ने उसे पागल कहा, अब लोग उसकी कर रहे हैं सराहना। इस लड़के ने वो कर दिखाया जिसे करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर पढ़ाई करते हैं। बिहार का यह लाल अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मदद की लगा रहा है गुहार। बिहार के इस बेटे की जितनी तारीफ की जाए उतने ही कम है। हर तरफ इस युवक की तारीफ ही तारीफ हो रही है। बिहार के इस युवक ने वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए लोग जी जान से मेहनत करते हैं और उस परीक्षा को पास करने के बाद पढ़ाई करने के लिए एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। लेकिन इस युवक ने इन सब को झुठलाते हुए वो कर दिखाया जो एक साधारण बच्चे के बस की बात नहीं। भागलपुर के 16 साल के युवक ने कबाड़ से इलेक्ट्रिक बाइक बना दी। इस युवक का दावा है कि 2 घंटे के चार्ज से आप 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। एक कहावत है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वह हमेशा चमकती रहती है। बिहार के इस लाल की भी प्रतिभा कम नहीं है। इस युवक के पिता मजदूरी करते हैं। इस युवक के गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है, लेकिन इस युवक ने वो कर दिखाया जो एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस होनहार युवक का नाम है राजाराम। राजाराम ने वो कर दिया जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर रही है। राजाराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो बाइक बना रहे हैं वह बाइक मजदूरों के लिए है, कम पैसे में भी वह बाइक को चला पाएंगे। राजाराम ने अपनी कीमत बताते हुए कहा कि इस बाइक को कोई भी व्यक्ति 15,000 रुपये में खरीद सकता है। इस बाइक में न तो पेट्रोल का टेंशन है और ना ही डीजल का। 2 घंटे चार्ज करिए और 50 किलोमीटर का सफर का आनंद उठाइए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजाराम ने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की है और आगे की पढ़ाई के लिए बीपी वर्मा इंटर कॉलेज में दाखिला करवाया है। उन्होंने इसके पार्ट के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 10,000 रुपए का मोटर लगता है, 24 वोल्ट की बैटरी लगती है, उसके बाद कंट्रोल के लिए फिर पहिया और उसके बाद कवर के लिए सामग्री जैसे कि टीन, लोहा और पुराने टायर से भी काम चल जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हम इसमें जितनी हैवी बैटरी लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका लंबा कैपेसिटी का वो मिलेगा समय कि आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। राजाराम ने यह भी कहा कि स्कूटी में और भी सुविधा का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यहीं पे उसने जो है सरकार से यह गुहार लगाई और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाती है तो वो आगे अपनी रिसर्च को जारी रख सकते हैं। राजा ने यह भी बताया कि इस बाइक को चलाने के लिए किसी भी चाबी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्मार्टफोन से चलाया जा सकता है। साथ ही साथ राजाराम ने यह भी कहा कि हम हेलमेट को लेकर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें बिना हेलमेट का बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति नशा करके बाइक चलाने की कोशिश करता है तो हेलमेट उसे डिटेक्ट कर लेगा और गाड़ी चालू ही नहीं होगी। राजाराम ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वह 8 साल का था तो उसी समय से उसको इलेक्ट्रिक सामानों में खूब दिलचस्पी थी। वह बचपन से ही पंखा और पानी का पाइप बनाता था। बचपन में इस तरह के कार्य करते हुए लोग उसे देखते थे तो पागल कहते थे, लेकिन अब जब मैंने इलेक्ट्रिक बाइक बना ली है तो लोग हमारी सराहना कर रहे हैं और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जो काम बड़ी बड़ी कंपनियां इतने पैसे में यानी कि इतने हजार रुपये में नहीं कर पा रही है वो राजाराम ने कर दिखाया है और महज 15,000 रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का दावा भी कर रहा है।